प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की यह एक और ताज़ा खबर। झांसी रेलवे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां रेलवे डीआरएम ऑफिस के सामने बने पार्क बाउंड्री वॉल की रेलिंग में करंट आने से एक भीख मांगने वाले युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आपको बताते चले कि झांसी के रेलवे डीआरएम ऑफिस के पास रेलिंग पकड़कर पानी पीने जा रहा युवक रेलिंग में आ रहे करंट की चपेट में आ गया, जिसने मौके पर ही प्राण त्याग दिए। मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वह मध्य प्रदेश के नौगांव के ग्राम बेला ताला का रहने वाला था और झांसी में अपनी बुजुर्ग मां के साथ भीख मांगकर अपनी और अपनी मां की गुजर बसर कर रहा था। आज अचानक हुई इस घटना से युवक की मां गहरे सदमे में है और उसका रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं आसपास निवास करने वाले लोग इस घटना का जिम्मेदार डीआरएम ऑफिस को मान रहे हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की रिपोर्ट। क्या हुआ यहाँ पर? ये अभी जैसा कि अभी हम लोग सब लोग निकल रहे थे यहाँ पे, तो बड़ी रोना पीटना मचा। ये महिलाएं बहुत रो रही थी, महोबा की रहने वाली हैं बेचारी, मांगने खाने। ये डीआरएम ऑफिस में ये सामने उनके बैठे थे, यहाँ पे प्यास लगी उस बच्चे को, तो वो पानी पीने के लिए यहाँ चला गया, रेलिंग पकड़ी, उसे फौरन करंट लग गया। कितनी बड़ी रेलवे की डीआरएम ऑफिस के गेट के सामने, जहाँ डीआरएम कार्यालय है, वहाँ पे इस तरह का हादसा हो जाना कितना बड़ी दुख की बात है कि एक जवान बाउंड्री में रेलिंग से उसमें करंट आ रहा था, उसमें बाउंड्री में करंट खंभे से उतरा, फिर रेलिंग में करंट उतरा, उसमें करंट उतर गया और वो बेचारा चिपक के मर गया। ये लोग महोबा का बता रहे हैं कि महोबा के रहने वाले मांगने खाने वाले लोग हैं, ये बेचारे पानी पीने के लिए उनने सोचा नल अंदर रखा है, वहाँ पानी पी ले। मगर हम तो हद हो गई साहब, रेलवे विभाग की डीआरएम ऑफिस के गेट के सामने इतना बड़ा हादसा हो जाना, करंट पूरी रेलिंग में, हम समझते 10-5 लोग इसे छू लेते रेलिंग को तो सब मर जाते। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।